we are going to study about the Rinne's test and the Weber's test. Rinne's and Weber's test हम patient उन patients में करते हैं जिन patients में हमें hearing test करना होता है. Generally as a nurse during the physical examination of the patient हम patient का hearing check करते हैं whether patient is able to hear properly or not. तो उसके लिए हम दो test करते हैं जिसमें पहला test है Rinne's test and दूसरा test है Weber's test. So let's see Rinne's test और Weber's test क्या होते हैं और हम इसको कैसे patient में perform करते हैं. Rinne's test and the Weber's test. As you can see in this picture, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है और ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है ट्यूनिंग फॉर्क और ये ट्यूनिंग फॉर्क इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम हियरिंग टेस्ट करने के लिए पेशेंट का करते हैं. तो जनरली अगर हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को देखेंगे, इसके जो पार्ट्स हैं, जो ऊपर के आप ये दो ब्लेड्स देख रहे हैं, इनको हम टाइन्स बोलते हैं और इसकी ये एकॉस्टिक एक्सेस है एंड दिस इज द बेस ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क. दीज आर द सोल्जर्स एंड दिस इज द फुट प्लेट एंड दिस वन जिससे हम पकड़ते हैं ट्यूनिंग फॉर्क को, दैट इज द स्टेम. सो लेट्स सी व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर Rinne's टेस्ट एंड द Weber's टेस्ट. फर्स्ट Rinne's टेस्ट. द Rinne's टेस्ट इज यूज प्राइमरली टू इवेल्युएट द लॉस ऑफ हियरिंग इन वन ईयर. इट कंपेयर्स द परसेप्शन ऑफ द साउंड ट्रांसमिटेड बाय एयर कंडक्शन टू दो ट्रांसमिटेड बाय द बोन कंडक्शन थ्रू द मस्टॉइड. Thus, we can quickly screen for the presence of conductive hearing loss. Generally, with the help of Rinne's test, हम patient में देखते हैं कि उसको conductive hearing loss है, means conductive hearing loss है कि नहीं, उसको हम check करते हैं. इसमें हम दो type के conduction patient की air में check करते हैं. सबसे पहला है air conduction और second one है bone conduction. और इसके थ्रू, इस प्रोसीजर के थ्रू हमें पता चलता है कि पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या नहीं और किस ईयर में प्रेजेंट है, वो भी हम इसके थ्रू डिटेक्ट करते हैं. द Rinne's टेस्ट वॉज नेम्ड आफ्टर जर्मन ऑटोलॉजिस्ट हेनरिस एडोल्फ Rinne 1899-1868. अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं. आप यहाँ पे दो पिक्चर्स देख रहे हैं. जैसे कि मैंने बताया आपको, हम यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका नाम है ट्यूनिंग फॉर्क. तो सबसे पहले हम कोई भी प्रोसीजर पेशेंट्स को कराते हैं तो उन्हें कंफर्टेबल पोजिशन हमें प्रोवाइड करनी है और पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है कि थ्रू आउट द प्रोसीजर पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस है हमारे, उन्होंने क्या फॉलो करना है और पेशेंट को क्या हमें बताना है, वो सारी चीज़ें हम बिफोर प्रोसीजर पेशेंट को सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे. तो लेट्स सी अभी प्रोसीजर में हमें करना क्या है. तो इसमें जनरली हम जो ट्यूनिंग फॉर्क इंस्ट्रूमेंट हम ले रहे हैं, जनरली इसमें हम इसको दो जगह पे पेशेंट को सुनने के लिए बोलते हैं. उससे पहले हमको जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसको हम स्ट्राइक करते हैं, किसी सरफेस पे स्ट्राइक कर सकते हैं, इन बिटवीन अवर हैंड्स हम स्ट्राइक कर सकते हैं. देन स्ट्राइक करने के बाद Rinne's टेस्ट इज परफॉर्म बाय प्लेसिंग 512 हर्ट्ज. और इसमें जो ट्यूनिंग फॉर्क का साइज है, Rinne's टेस्ट के लिए हम जो ट्यूनिंग फॉर्क ले रहे हैं ये 512 हर्ट्ज का होता है. और जो ये हर्ट्ज है, आप यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये हर्ट्ज लिखा होता है. तो जब भी आप Rinne's टेस्ट करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसका साइज 512 हर्ट्ज होना चाहिए. तो हमें इसको वाइब्रेट करना है अगेंस्ट किसी भी स्ट्राइक करना है किसी भी सरफेस में. देन उसके बाद हम पेशेंट के इसको हम वाइब्रेट कराएंगे पेशेंट के. सबसे पहले हम पेशेंट के जो बोन है पीछे, कान के पीछे बोन होती है, मस्टॉइड बोन है कान के पीछे, वहाँ पे हम रखेंगे इसको. देन उसके बाद आस्किंग द पेशेंट टू टेल यू व्हेन द साउंड इज हर्ड नो लॉन्गर हर्ड. और पेशेंट से हमें पूछना है कि कब उसे साउंड सुनाई दी और कब नहीं सुनाई दी. उसके बाद हम जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसको पेशेंट के जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, पिना है, उसके सामने लाते हैं, जो दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं. देन उसके बाद अगेन हम पेशेंट से पूछते हैं कि उसको कहाँ पे कितना सुनाई दिया. देन उसके बाद इसका रिजल्ट है. नॉर्मल हियरिंग हम किसको बोलेंगे, जबकि एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन. एयर कंडक्शन मतलब जब हम एयर पिन्ना के सामने लाइक पेशेंट को, उस समय पेशेंट को ज़्यादा सुनाई दिया और जब हम पेशेंट के बोन के पीछे रखे तो उस समय पेशेंट को कम सुनाई दिया. दैट इज बोन कंडक्शन जब मस्टॉइड बोन में रखा है. और एयर कंडक्शन मतलब जब हम पिन्ना के पास ऑडिटरी कैनाल के पास ला रहे हैं, दैट इज एयर कंडक्शन. तो अगर हम देखेंगे इसके रिजल्ट को, अगर नॉर्मल हियरिंग किसी पर्सन में नॉर्मल हियरिंग है, इसका मतलब उसको एयर कंडक्शन ज़्यादा होगा उसमें एज कम्पेयर टू द बोन कंडक्शन. और एबनॉर्मल हियरिंग है, इफ द पेशेंट इज नॉट एबल टू हियर द ट्यूनिंग फॉर्क आफ्टर इट इज मूव फ्रॉम द मस्टॉइड टू द पिन्ना, इट मींस दैट देयर
बोन कंडक्शन इज ग्रेटर देन देयर एयर कंडक्शन. तो ओवरऑल इसकी जो फाइंडिंग है उसका क्या मतलब है कि अगर एयर कंडक्शन है मोर देन बोन कंडक्शन, इट मीन्स पेशेंट को कोई भी हियरिंग लॉस नहीं है, इट्स अ नॉर्मल हियरिंग. बट इफ बोन कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन, इट मीन्स हमारे टेस्ट पॉजिटिव और पेशेंट में क्या है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस है. तो इस तरीके से हम रीनिस टेस्ट करते हैं. इसी तरीके से हमारा एक दूसरा टेस्ट भी है, उसको वेबर्स टेस्ट बोलते हैं. तो जो वेबर्स टेस्ट है, अगेन हम इन जो रिनीज एंड वेबर्स दोनों टेस्ट है इनको जनरली हम कॉम्बिनेशन में ही यूज करते हैं. और वेबर्स टेस्ट के थ्रू भी हम लेटरलाइजेशन के थ्रू हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस चेक करते हैं, बट इसका ज़्यादातर यूज हम सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस पेशेंट में चेक करने के लिए यूज करते हैं वेबर्स टेस्ट का. तो द वेबर्स टेस्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हियरिंग परफॉर्म्ड विद अ ट्यूनिंग फॉर्क. इट कैन डिटेक्ट यूनिलेटरल वन साइडेड कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मिडिल ईयर हियरिंग लॉस एंड द यूनिलेटरल सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, इनर हियरिंग लॉस. और ये जो टेस्ट है इट इज नेम्ड आफ्टर अर्नस्ट हेनरिच वेबर 1795 to 1878, जो ऑटोलॉजिस्ट थे भी, उनके बाद इस टेस्ट को नाम दिया गया. अब इसका क्या प्रोसीजर है, जैसे कि मैंने रिनीज टेस्ट में आपको बताया था जो जनरल स्टेप ऑफ कोई भी प्रोसीजर्स होते हैं वो हमें सारे एक्सप्लेन करने हैं. पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है, पेशेंट को थ्रू आउट द प्रोसीजर क्या इंस्ट्रक्शंस उसे फॉलो करने हैं और क्या उनको उसको ऑब्जर्व करना है, वो सारी चीज़ें हमें पेशेंट को बतानी है. जैसे कि वेबर्स टेस्ट जो रिनीज टेस्ट है उसमें जो हम ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ कर रहे थे वो जनरली 512 हर्ट्ज की थी, बट अगर हम वेबर्स टेस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें हम 256 हर्ट्ज की भी ट्यूनिंग फॉर्क का यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे हमें स्ट्राइक करना था किसी हार्ड सर्फेस पे, हम ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करते हैं. देन इसमें हमें पेशेंट के कहाँ पर रखना है, जनरली हम पेशेंट के जो ट्यूनिंग फॉर्क है वह तो फोर हेड पर रखते हैं या ऊपर टॉप ऑफ द हेड पर रखते हैं. तो दोनों जगह, दोनों कोई भी जगह को हम यूज़ कर सकते हैं जो जहाँ से सेंट्रलाइजेशन हो सके, जहाँ से दोनों ईयर इक्वली डिवाइड इक्वल डिस्टेंस पे दोनों ईयर हमें मिले. तो जो सेंट्रल ऑफ बॉडी है स्पेशली फोरहेड और जो टॉप ऑफ द हेड है वहाँ पे हम जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क है उसको रखते हैं. देन हमें पेशेंट्स उसके बाद साउंड के बारे में पूछते हैं. तो इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, द नॉर्मल वेबर टेस्ट एज अ पेशेंट रिपोर्टिंग द साउंड हर्ड इक्वली इन बोथ द साइड्स. इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है लोकलाइजेशन ऑफ द साउंड, दूसरा होता है लेटरलाइजेशन ऑफ द साउंड. लेटरलाइजेशन ऑफ द साउंड इट मीन्स कि अगर पेशेंट को दोनों कानों में बराबर इक्वली सुनाई दे रहा है, इट मीन्स लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड सही हो रहा है, पेशेंट को कोई भी किसी टाइप का हियरिंग लॉस नहीं है. इसके अलावा एक होता है लोकलाइजेशन ऑफ द साउंड, अगर पेशेंट को किसी एक ईयर में सुनाई दे रहा है, आइदर इट इज़ अ अफेक्टेड ईयर या नॉर्मल ईयर है, तो उसके थ्रू हम पता करते हैं पेशेंट को कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या कि सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है. तो इन अफेक्टेड पेशेंट इफ द डिफेक्टिव ईयर हेयर्स द वेबर ट्यूनिंग फॉर्क लाउडर, द फाइंडिंग इंडिकेट अ कंडक्टिव हियरिंग लॉस इन द डिफेक्टिव ईयर. ठीक है, दूसरा है ऑल्सो इन द अफेक्टेड पेशेंट इफ द नॉर्मल ईयर हेयर्स द ट्यूनिंग फॉर्क साउंड बेटर देयर इज अ सेंसोरी न्यूरल. तो अगर नॉर्मल ईयर में भी सुनाई दे रहा है ज्यादा, तो उस समय पर तो हमें पता चलेगा कि पेशेंट को सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है, लेकिन अगर अफेक्टेड में भी हो रहा है पेशेंट को सुनाई दे रहा है, तो उस समय पर हमें पता करना है कि पेशेंट को कौन सा लॉस है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस. तो रिनीज टेस्ट का जनरली यूज हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस के लिए चेक करने के लिए करते हैं, बट वेबर्स टेस्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसके थ्रू हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस एज वेल एज जो सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है दोनों पेशेंट में चेक कर सकते हैं. तो अगर हम समराइज करेंगे इसको, तो समराइज में हम कह सकते हैं कि जो इसका जो रिजल्ट है ये रिनीज टेस्ट है और ये वेबर्स टेस्ट है. तो रिनीज टेस्ट में हियरिंग लॉस कंडक्टिव जनरली करते हैं और वेबर्स टेस्ट में जनरली हम लोकलाइजेशन देखते हैं. तो अगर नहीं है मीन्स नॉर्मल हियरिंग है, तो ईयर कंडक्शन विल बी मोर देन बोन कंडक्शन इन रिनीज टेस्ट. और मिडलाइन में है, नो लिटरलाइजेशन और मिडलाइन में सुनाई दे रहा है, तो इट मीन्स कि पेशेंट में क्या है, वेबर्स टेस्ट नॉर्मल है. सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस कब है, जब एयर कंडक्शन मोर हो रहा है बोन कंडक्शन से, तो पेशेंट को सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है रिनीज टेस्ट की अगर हम बात करें. और अगर वेबर्स टेस्ट है इसमें सेंसोरी न्यूरल, तो नॉर्मल ईयर है. कंडक्टिव में हम बात करेंगे तो बोन कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन और अफेक्टेड ईयर
अगर हमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो इट मीन्स अफेक्टेड एयर में हमारा लोकलाइजेशन होगा साउंड का. तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी रिनिस टेस्ट एंड दी वेबर्स टेस्ट. आई होप आपको अच्छे से ये टेस्ट समझ आ गए होंगे. तो इफ यू लाइक माई वीडियो एंड माई एक्सप्लेनेशन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो इफ यू आर अ न्यू व्यूअर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द मोर अपडेट्स.